शहीद जवान अमर है, 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 शहीद जवान अमर है। सर, शहीदों का सम्मान, जो अभी चार शहीद स्वतंत्रता के दिवस के पर अभी थोड़े दिन हुए मनाया हमने, और आज वो चार जवान हमसे अलग हो गए, उनकी शहादत हो गई, आज नमन करने का प्रयास करना चाहता हूँ, फूल वर्षा उन पर करना चाहता हूँ, मोमबत्तियाँ जला करके ये शहादत हमेशा हिंदुस्तान याद रखे, और इन शहीदों की वजह से हम स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मनाने का प्रयास कर पाए। लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है कि हमने 226 मिलिटेंटों को मार दिया, लेकिन आखिरकार कितने हम अपने जवानों को और शहीद करने का प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी महोदय, आप आए हैं, आपसे बड़ी आशाएं हैं, लेकिन इस दो चार दिन के अंदर उनके लोग मिलिटेंट भी बड़े मारे गए हैं, लेकिन अपना लोगों का नुकसान, अपने वीरों का नुकसान, अपनी शहादत का नुकसान नहीं होना चाहिए था, इसकी तरफ हमको ध्यान देने का प्रयास करना होगा। और जो ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के अंदर के पाकिस्तानी सोच वाले लोग हैं, जब तक उनका समाप्तिकरण नहीं होगा, जब उनका उनको यहाँ से उठा करके पाकिस्तान भेजने का प्रबंध नहीं होगा, जब हुर्रियत के नेता जिन पर अरबों रुपया हम खर्चने का प्रयास करना चाहते हैं, जब इनको उठा करके पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, तब तक इस समस्या का कोई समाधान मुझे नज़र नहीं आता है। इसलिए मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये जो हमारे शहीद हुए हैं, इनकी शहादत तो जा रही है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, उनको एक सबक सिखाने का समय आ गया है, और मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ आए हैं और उनके माध्यम से उनको सबक मिलेगा, लेकिन इतनी देर ना लग जाए कि हमारी शहादत ज़्यादा हो जाए, हमारे वीरों की शहादत ज़्यादा हो जाए, और पाकिस्तान यहाँ पर एक चपाती 26 रुपए की मिल रही है, वो युद्ध करने का प्रबंध करना चाहता है, ये सरासर गलत है। माननीय उपराज्यपाल जी, आपको खड़े होकर के इन सब चीज़ों का मुकाबला करना होगा और इसको नस्तनाबूद करना होगा। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।